वाह बोलो वाह 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 हो 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 वाह बोलो वाह वाह। तो साड़ी की दुकान खोल ली है, ये तो अच्छी बात है बेटा। इसी बात पे लड्डू खिला दे। दुकान साड़ियों की खोली, लड्डू की नहीं खोली। काम कर दे बेटा, एक साड़ी उठा के यूं फेंक के मुझ पे मार, मुंह में दबा के भाग जाऊंगी। ये पता नहीं हमारे पड़ोसियों का दिमाग खराब है, साड़ियों की दुकान खोली और अगर दुकान की साड़ी खोले। एक आपकी हरकतों की वजह से ना यहाँ पे ठेले लगाने बंद कर दिए सब्जी वालों ने, उनकी पालक गोभी मुंह में डाल के निकल जाती है। तो साहब जी, इसकी वजह से तो बैंसी मोहल्ला छोड़कर चली गई है। वो कहती है पालक मूली खाकर गोबर ये करती है, बदनाम हम हो जाते हैं। बड़ा ये लड़का जब भी बात करता है मुंह से गोबर ही निकलता है। अब जा जाके मेरे पानी लेके आ जा। बड़ा सुन बड़ा सुन सुन क्या? सुन ला, ये साड़ी निकाल दो, ये निकाल दो और ये वाली निकाल दो। आपको तीनों लेनी है? नहीं नहीं, इन तीनों को निकाल दो, पुरानी लग रही है। आंटी जिसने पहिए का आविष्कार किया था वो भी आपको पांव छू के आंटी बोलता है, आप इतनी पुरानी है, आपको ये साड़ियां पुरानी लग रही है। अरे बेटा ये बताओ, ये जो मोहतरमा साड़ी पहनी है ये कहाँ की है? ये जापानी साड़ी है। लग तो बनारस की रही है। लग तो आप भी युगांडा की रही है, लेकिन इधर रहती है ना आप। देखा, फालतू बातें करने में नंबर वन है लड़का। अब चलो ये भी बता दो कि ये साड़ी है कितने की? 10,000 की। अरे ये तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो, रिश्तेदारों के लिए कुछ कम करो। जब रिश्तेदार आएंगे उनको कर दूंगा। तू कहूं कौन है तू? बेटा अपना ही समझो, कुछ कम करो। साड़ी आधी करके दे दू? बेटा साड़ी को कम मत करो, पैसों को कम करो। आधी साड़ी में तुम्हारी बीवी फिट आ जाएगी, मुझे तो पूरी भी दो बार लगती है। अरे बेटा पूरी से याद आया, पूरी छोले खाने का बड़ा दिल कर रहा है। पूरी छोले खाएंगी? मुंह भटूरे जैसा पूरी छोले खाएंगी? पानी डालने में इतना टाइम लगता है? हाँ, पास वाला गटर लीक नहीं कर रहा था इसलिए दूर जाना पड़ा। तू फालतू में इतनी दूर क्यों गया? इधर इनका पर्सनल गटर कई सालों से लीक कर रहा है, इधर ही ले लेते। अब कोई नहीं। बेटा ये तो मेरी साड़ी है। देखो भगवान की कितनी कृपा, आज ही हमने अपना ब्रांड शुरू किया, मेरी साड़ी जगह जगह में शुरू हो गया। मेरी साड़ी, मेरी साड़ी। अरे नहीं बेटा, मेरी मतलब मेरी मेरी पहनने वाली साड़ी है ये। झूठ बोल रही है, तेरी साड़ी तो तूने पहनी है हमारी। और कहीं से मेरी साड़ी? सजनों और सजनियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा भी सेम। दरअसल ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं हरिहरन जी और रेखा जी जो इतने गुणी लोग हैं वो मेरे घर में पधारे हैं। मेरा भी सेम। आपको सिर्फ प्रणाम किया, मैं करूंगी आपको दंडवत प्रणाम। मैं जो हूँ आप दोनों से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप मुझे जरा सा संगीत सिखाए प्लीज। मुझे भी ओरिजिनल ओरिजिनल मुझे भी क्या, मुझे क्यों कॉपी कर लिया? संगीत मैं सीखूंगी। तुम लोग ने कैसे सोच लिया तुम लोग इनके शागिर्द बन सकते हो? बड़ा सोचने में क्या है। सोचो ना, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप भी अपने मन में एक बार से सोच लो कि मुझे बाप बनना है। हरिहरन जी, कैन आई हैव अ सीट?
हरी हवन जी, मैंने अपने मन में आपको अपना गुरु मान लिया, मैंने मान लिया है। मैं अपने घर में आपकी मूर्ति लगा के रियाज भी करती हूँ। आपको सिखाना ही पड़ेगा। मैं आपको कसम से कह रही हूँ, आप मतलब लाइटली मत लीजिए इस बात को, मैं रियाज करती हूँ। आप कहेंगे अंगूठा काट के दे दूंगी आपको मैं। अरे भोबड़ी, अंगूठा तब काट के देते जब तीर चलाना सीखना हो। तुझे गाना सीखना है ना, गला काट के दे दे। बिगाड़ की बात करती है एकदम। इनके पास अपना खुद का एकदम साफ सुथरा सुरीला गला है इनके पास अपना खुद का। मेरे गले का क्या करेंगे? और मैंने अगर गला दे दिया, मैं कहां से गाऊंगी? तुझे जहां से भी गाना है तू गा, मुझे क्या। मुझे रेखा से बात करने दो। रेखा जी, वो क्या है ना, मैंने आपको अपना गुरु माना है। हाय हाय, क्या गाती हूँ। आपको कौन सा वाला गाना था? कहाँ लगा? जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। कमाल का गाना है वो, जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। नहीं देखिए, आप क्या अभी यंग हैं तभी ये गाना ठीक है, 20-25 साल बाद ये गाना मत गाइएगा। क्या है कि बहुत ज्यादा नमक होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। वैसे मुझे अभी लो बीपी है तो इसलिए अभी तो चल जाता है। अभी चलेगा। नहीं वैसे भी गाना कमाल का है, नमक पीसता। मैं तो कहती हूँ नमक के साथ थोड़ी मिर्ची, थोड़ा सा नींबू और निचोड़ देती तो आहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। क्या आपको पता है कि मुझ में और आप में फर्क क्या है? नहीं पता चले तो अच्छा है। पंकड़ी आंटी, फर्क पता किस में होता है? जहाँ पे थोड़ी बहुत भी आपस में मिलती हो चीजें, कहाँ डिजाइनर सूट, कहाँ फटा हुआ मौजा। विक्की शर्मा, यू कैन टॉक टू माय फुट। बातों के बीच में आप बार बार लुक्स में क्यों आ जाते हैं? लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, संगीत की बात कर रही हूँ। फर्क क्या है संगीत में? अब जैसे आप जब गाना गाती हैं जी जी, तो म्यूजिक डायरेक्टर जो है आप म्यूजिक बजाते हैं जी। अब मैं जब गाना गाती हूँ तो लोग मेरे कान के नीचे बजाते हैं। फिर भी मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ। क्या बात है? मैं अपना गाना पूरा गाती हूँ। क्या बात है? तो उतना मैंने सीख लिया, उसके आगे अब जो बची कुछ कसर है वो आप लोग पूरी कर दे, सिखा दीजिए थोड़ा तो। कुछ थोड़ा बहुत गाइए ना। आप लाइन सुनाइए आप। आपका कोई गाना? हाँ, तू ही रे सुना दो। आपको बताना भूल गया, ये मतलब ये आम कलाकार नहीं है, ये नुसरत फतेह अली खान साहब उनका रिक्शा चलाती थी। रिक्शा? प्लीज गाइए इरशाद। कौन बोल रहा है जिंदा रहने के लिए आपको? क्या कर रही हैं आप? गाने की नॉलेज है आपको? मैं तो चुप कर, चार दाढ़ी बोबड़ी गई की। मैं क्या कह रही थी, मेरे पोनी टेल काउबॉय सुर छेड़ लो कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गुदगुदी हो जाए। दादी, तुम लोग तंग कर रही हो हमारे मेहमानों को। तुम लोगों को क्या म्यूजिक का पता, क्या नॉलेज है तुम लोगों को? म्यूजिक का क्या नहीं पता है, पूछो। क्या नहीं पता है? कोई भी सवाल पूछो म्यूजिक के बारे में। लाइट म्यूजिक क्या होता है बताओ? लाइट म्यूजिक, एक मिनट। ये लाइट ऐसे बलते बलते जवाब देंगी। क्लासिकल म्यूजिक का पता क्या होता है? समझते क्या हो अभी? यही जो लाइट का जो एक नंगी तार है, अगर शरीर से लग जाए क्लासिकल निकल आता है। ये देखो, वो क्या करेगा? क्या करेगा? आज कल आराम से जॉगिंग भी नहीं कर सकते।
जवान खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि जबरदस्ती का टकराना शुरू। अब तेरे घर में पोती होती नहीं है क्या? टक्कर तो तूने मारी है। अच्छा मैंने टक्कर मारी है? मेरी जैसी ब्रांड न्यू कार तेरे जैसे पुराने टेम्पो को टक्कर क्यों मारेगी? ओ चचा, एक अच्छा सा कब्रिस्तान ढूंढो और वहां जाके लेट जाओ। अपना बर्थ रिजल्ट कराना है तो किसी और को भेजो। आंटी बुढ़िया। अरे विष्णु शर्मा जी, मैं आपको क्या बताऊं, आजकल जब से जरा सी फिट हुई हूँ ना, ये सारे के सारे बूढ़े लोग आके जबरदस्ती टकराते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। ए आंटी क्यों झूठ बोल रही हो? टक्कर तूने खुद मारी उसको जबरदस्ती, और ऊपर से बेचारे बुड्ढे की बेइज्जती कर दी तूने। अब बुड्ढा था तो इसलिए बेइज्जती की। अगर कोई बाका नौजवान अजय देवगन टाइप का होता तो उससे प्यार से बात कर भी लेती, लेकिन ऐसे बेटा बताता नहीं है कभी भी कुछ। खुश रहो। कैसे हैं? How are you? मैं बिल्कुल ठीक। सिंघम धम 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 धम। थोड़ा चीज यहाँ भी मतलब ताक दे रहे थे तुझको शान सवेरे, अभी भी लोग ताक ही रहे हैं कि कोई मिल गया? ताक ही लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, इसे कहते हैं चमत्कार, यू नो वर्ड चमत्कार, चमत्कार मैजिक। मेरे मुंह से दो शब्द निकले, अजय देवगन और साक्षात अजय देवगन यहाँ पे प्रकट। आंटी आंटी वो पहले से यहाँ बैठे हैं, आपने बाद में बोला है। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है कि फ्रॉड आदमियों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, गेट लॉस्ट। हम लोग फ्रॉड है? हाँ तो तुम लोग बड़े सही हो। अरे भाजी ये इसके पिताजी इतने बड़े फ्रॉड थे ना, मैं क्या बताऊं। एक आदमी आया इनके पास 150 रुपए का नोट लेके, कहता खुले दे दो, इसके बाप ने 75-75 के दो दे दिए। अजय जी इस बात को समझना जरूरी है कि 150 रुपए का नोट लेकर कौन आया, इस बिट्टू शर्मा के दादाजी। 150 रुपए का कोई नोट होता है? और अजय जी मैं आपको बता रही हूँ, लाइफ में हर कोई किसी से प्रभावित होता है, जैसे हर किसी का कोई रोल मॉडल होता है, जैसे आप मेरे रोल मॉडल हैं। आपके रोल मॉडल नहीं, आपके तो रोल रोलर होने चाहिए ना। देखिए विष्णु शर्मा, अगर आपने मेरी बातों के बीच में इसी तरह विशेष टिप्पणियां करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं यूं हवा में उड़ के 8 फीट ऊपर उछलूंगी, समरसॉल्ट खाऊंगी दो और धाम करके आपके ऊपर गिरूंगी। उसके बाद जब मैं उठूंगी तब इस सोफे पे आप नहीं, सिर्फ आपका एक पोस्टर पड़ा होगा। सोनाक्षी तुम्हें लगता है ये आलू की पूरी हवा में 8 फीट ऊपर उछल सकती है? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, होल्ड इट, 1 मिनट, 2.5 मिनट तो आपको हो गए। Just for my kind information, can you tell me, अभी आलू की बोरी आपने क्या मुझे कहा? नहीं नहीं, आपकी लोअर बॉडी को, मुंह तो आपका कटहल जैसा है। बेटा अगर आपको इतनी सब्जियां याद आ रही है ना, तो एक काम कीजिए, 2 रोटियां मंगाइए और डिनर कर लीजिए, भुक्कड़ कहीं के। नहीं आप कितना कुछ खा लीजिए, ये सही भी है, लेकिन मौका भी है और दस्त भी। आंटी मौका भी है दस्तूर भी होता है, दस्त भी क्या मतलब हुआ? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है दस्तूर होता है, पर जिस तरह भुक्कड़ की तरह आप खाने वाले हो ना, दस्त आपको होगी।